पुलिस को भी कंप्लेन नहीं कर सकते, हम खुद ही ढूंढना होगा हम उसे। लेकिन कैसे ढूंढेंगे, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ। लो इसे तो जानती हो ना, देखो खुद चल कर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था, क्या हो गया अचानक? तुम ठीक हो ना? सनम कहाँ है? अंदर है, बयान दे रही है वो। तुम क्यों मुंह बनाकर बैठी हो सादिया? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। इसकी कोई और वजह है, इसका बैग चोरी हो गया। कैसे? वो हम होटल पे बैठ के बातें कर रहे थे और बातें करते करते मेरा ध्यान ही नहीं रहा और मैं वहाँ से उठ गई, और फिर जब मैं अपने बैग को वापस लेने गई तो मैंने देखा एक बच्चा उसे लेके भाग रहा है। मैं भी उसके पीछे भागी लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गया। एक बैग के लिए इतना परेशान होता हूँ? ढूंढ लेंगे, और अगर ना ढूंढ सके तो नया फोन नया बैग आ जाएगा, पासपोर्ट भी बन जाएगा। कार्ड्स ब्लॉक करवाए तुमने? नहीं तो। ठीक है, तुम यहाँ से फ्री हो जाओ, तब तक मैं बैग ढूंढने की कोशिश करता हूँ। रुको, मैं भी साथ चलूंगी। तुम क्या करोगी साथ चलकर? मैं पता कर लूंगा ना। उस बच्चे को मैंने देखा है, मेरा जाना जरूरी है। ठीक है चलो, ढूंढ लो जाकर, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। लड़ाई हो गई थी हमारी, उन्होंने हाथ उठाया था और ये अंगूठी मेरे मुंह पर मारकर चले गए थे वो कहीं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, मैं इसलिए साहिल पर चली गई। वहां सिनान दिखा मुझे और इसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैं इतनी परेशान थी कि मैंने इसे सब कुछ बता दिया। तुम गाड़ी में बैठी थी या नहीं? मैंने सोचा कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए गाड़ी में बैठ गई थी मैं। क्या बात है, वैसे बहुत ही जबरदस्त काम किया है तुमने ये। झूठ क्यों बोल रही हैं आप उस आदमी को बचाने के लिए? तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ रफीक? क्या मैं ये जान सकता हूँ आपके और सिनान के बीच आखिर चल क्या रहा है? पैसों के लिए कर रही है ना ये सब? बस करो रफीक, चुप रहो। यासिर मलिक की गाड़ी कनेशली बाचे से 10 बजे निकली। और 11 बजे मैं मेक्सिको की तरफ गई। अपना स्टेटमेंट देना होगा तुम दोनों को, जो प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा और वो ही फैसला करेगा इसे छोड़ना है या नहीं। समझ गए तुम दोनों? समझ गए तुम? सनम, 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 क्या हुआ, क्या हुआ अंदर, बताओ मुझे। मैंने कहा कि अंगूठी मुझसे गिरी थी गाड़ी में। क्या? तुम सोचे समझे बिना इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? कम से कम हमसे डिस्कस तो कर लेती, भूलो मत तुम्हारे साथ हमारी जाने भी खतरे में। जानती हूँ, तो ऐसा क्यों किया? हमारी इस बारे में बात हो चुकी थी पहले, ऐसा करने का सोचा भी कैसे? वो अरेस्ट करने वाले थे उसे, तो उन्हें जो करना है उन्हें करने दो सनम। हाँ हाँ ठीक कह रही हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का रुख पूरे खानदान की तरफ चला जाता। जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती कुछ भी नहीं कर सकते वो। जब उन्हें अंगूठी मिल सकती है तो डेड बॉडी मिलना भी मुश्किल नहीं है। जबरदस्त। सना बात सुनो, ऐसा वैसा कुछ नहीं, समझी? मेरे दिल में सिनान के लिए कोई फीलिंग्स मौजूद नहीं है। ठीक है, हमें ऐसे ही एक्ट करना है जैसे यासिर जिंदा हो, क्योंकि अगर तुम्हारा शौहर जिंदा होता तो तुम सिनान से बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी।